राजधानी रांची के नए एसएसपी के रूप में आज चंदन कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव और डीजीपी अजय सिंह को राजधानी में भेजने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही कहा कि आम जनता में पुलिस की अच्छी छवि हो, आम जनता के लिए पुलिस सुलभ हो और बड़े अपराध जिससे समाज में असुरक्षा का भाव आता है सनसनी फैलती है, वैसे आपराधिक घटनाओं पर पुलिस का नियंत्रण हो, इस पर पुलिस का प्रयास रहेगा। उन्होंने कहा कि महिला और बच्चों की सुरक्षा भी मेरी प्राथमिकता का मुख्य बिंदु रहेगा। उन्होंने कहा कि लंबित केसों के लेकर पुलिस मुख्यालय पहले से ही अभियान चला रहा है और उस पर फोकस करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रांची पुलिस 24 घंटे उपलब्ध है, 24 घंटे रांची एसएसपी का नंबर भी उपलब्ध है। पुलिस चुनौतियां और बड़ी आपराधिक घटनाओं से निपटने का काम करेगी। सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को और हमारे चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और डीजी पुलिस झारखंड, इनको आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी गई है। राजधानी किसी भी राज्य का वो हृदय होता है और हृदय की धड़कन सही चलेगी तो पूरा शरीर अच्छा काम करता है, तो इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चुनौतियाँ बहुत तरह की पुलिस में हैं, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़ी आपराधिक घटनाएं जो होती हैं जिससे समाज में सनसनी फैलती है या असुरक्षा का भाव होता है, उसका नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। पर इसके अलावे जो छोटी छोटी घटनाएं या छोटे छोटे अपराध जिससे आमजन भी प्रभावित होता है, जिसको मीडिया में हो सकता जगह न मिले लेकिन वह आम जनता के लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें पारदर्शिता पुलिस अनुसंधान में हो, आम जनता को लगे कि जो घटना घटी है उसका सही अनुसंधान हो रहा है। और एक कम्युनिटी इंगेजमेंट जिसको बोलते हैं कि आम जनता से पुलिस का जुड़ाव बढ़े, ये न लगे कि भाई कि पुलिस के पास जाने में हमको कठिनाई हो रही है या जहां पर हम जा रहे हैं मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी इमरजेंसी के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं, आम जनता के लिए भी, प्रेस के लिए भी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।